यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 40वें प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन की जो मौत हुई थी उसका कारण था एल्जाइमर डिजीज़। अब एल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है इसको जरा समझेंगे और सिम्टम से पहचान लेंगे आप कि किसको एल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है, उनके सिम्टम क्या है, क्या पता आपको भी हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एल्जाइमर डिजीज़ के ऊपर है और जो इसमें मेडिकेशंस बताई गई हैं उनको आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एल्जाइमर डिजीज़ होती क्या। एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ एमेलॉइड प्रोटीन्स इन योर ब्रेन। जब आपके ब्रेन में एमेलॉइड प्रोटीन्स बिल्डअप हो जाते हैं, एमेलॉइड प्रोटीन्स बन जाते हैं किसी वजह से, तो एल्जाइमर डिजीज़ इस वजह से होती है। और उसके सिम्टम्स मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन आर द मेन सिम्टम ऑफ एल्जाइमर डिजीज़। अगर किसी को एल्जाइमर डिजीज़ है तो उसको सिम्टम होंगे क्या कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग, मेंटल डिक्लाइन, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, डिफ़िकल्टी टू डू सिंपल मैथ। सिंपल मैथ भी नहीं कर पाएगा अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो एल्जाइमर डिजीज़ अगर उसको हो जाती है तो वो सिंपल मैथ भी नहीं कर पाएगा। इनएबिलिटी टू क्रिएट न्यू मेमोरीज़। और इवनिंग आवर्स में जब शाम का समय होता है तो उसको कन्फ्यूज़न होगा कि आपको ऐसे लक्षण हैं क्या, शाम के टाइम आपको कन्फ्यूज़न होता है, कभी आप कुछ चीज़ भूल जाते हो, कभी कुछ चीज़ भूल जाते हो। तो ऐसे पेशेंट का जिनको एल्जाइमर डिजीज़ है, ऐसे पेशेंट्स का बिहेवियर कैसा होता है, उनका बिहेवियर एग्रेसिव होता है, इरिटेशन होती है उनको, और अपनी चीज़ें सिंपली डेली लाइफ की वो कर नहीं पाते हैं, दूसरों के ऊपर भड़कते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, इरिटेशन करते रहते हैं, तो ऐसा उनका बिहेवियर हो जाता है। अगर मूड की बात करूँ तो ऐसे लोगों का मूड स्विंग करता रहता है, एजिटेशन होती है, डिकनजेस्टेंट होता है, जनरली डिसकंटेंट होता है। फिजियोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आएंगे? फिजियोलॉजिकली डिप्रेशन होगा, हेलुसिनेशन होगा, भूख कम लगेगी, लॉस इन एपेटाइट, रेस्टलेसनेस और पुअर जजमेंट। और ये होता है मैक्सिमम जिनकी एज 60+ हो जाती है, जो 60 से अबव चले जाते हैं मैक्सिमम एल्जाइमर डिजीज़ का शिकार वो होते हैं। वैसे हर एक उम्र का व्यक्ति इफेक्टिव हो सकता है इस डिजीज़ का, बट मैक्सिमम जो केसेस देखे गए हैं ओवर 60 देखे गए हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो इसको पूरी 100% क्योर कर दे इसका, बट इसका जो इलाज होता है वो सिम्टोमेटिकली होता है, सिम्टम्स का ट्रीटमेंट होता है। FDA ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, दो कैटेगरीज की ड्रग को अप्रूवल दिया है जो एल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। वो दो कैटेगरीज की ड्रग कौन कौन सी हैं? जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है कोलिन स्टरेज इनहिबिटर, और जो दूसरी कैटेगरी है वो NDMA एंटागोनिस्ट है। अगर कोलिन स्टरेज इनहिबिटर्स की बात करूँ तो पहली ड्रग है डोनपेजिल जो एरिसेप्ट के नाम से आती है, दूसरी ड्रग है रिवास्टिग्मिन जो एक्सेलोन के नाम से आती है, और जो तीसरी ड्रग है गैलेंटामाइन है जो राइजाडाइन के नाम से आती है। जो तीन ड्रग FDA ने अप्रूव की हैं एल्जाइमर डिजीज ट्रीटमेंट के लिए। और ये काम कैसे करती हैं, ये काम इनका जो वर्किंग है हमारी बॉडी के अंदर वो ये है, ये दवाइयाँ एसिटाइल कोलिन स्टरेज के एक्शन को इनहिबिट करती हैं। एसिटाइल कोलिन स्टरेज क्या करता है, वो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देता है, और एसिटाइल कोलिन ही एक ऐसा केमिकल है जो हमारी नर्व सेल को आपस में कम्युनिकेट कराता है, कम्युनिकेशन। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसका इनहिबिटर खा रहे हैं, तो इसके एक्शन को, इस एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट कर देता है, जिससे एसिटाइल कोलिन डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। और एसिटाइल कोलिन एक ऐसा केमिकल है जो आपकी ब्रेन सेल्स को, नर्व सेल्स को आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर बना के चलता है, कम्युनिकेट कराता है एक दूसरे को सेल्स के साथ। तो जब एसिटाइल कोलिन स्टरेज इनहिबिट हो जाएगा तो वो एसिटाइल कोलिन को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकेगा, जिससे एसिटाइल कोलिन ज़्यादा होगा और हमारी नर्व सेल आपस में ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगी। अगर मैं NDMA एंटागोनिस्ट की बात करूँ तो मेमेंटामाइन एक ड्रग आती है नेमेंडा नाम से, नेमेंडा एक ब्रांड नेम है। तो करती क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ब्रेन सेल को हेल्दी रखने के लिए, हमारी ब्रेन सेल को हेल्दी रखती हैं। तो ये दो कैटेगरी की ड्रग्स FDA ने अप्रूव की है एल्जाइमर डिजीज के लिए। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं जो मैंने इस वीडियो में पहले बताए हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपना ब्रेन का MRI कराएं और डॉक्टर को दिखाएं अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।